मशरूम को जो है मैंने काट कर ले लिया है, तब इसको मैं डालूंगी यहीं पर। और फिर हाँ आलू किया हुआ है तो मैं डाल दूँगी। तो आज जो है मैं ये साग बनाने जा रही हूँ, जिसको हम लोग राई साग बोलते हैं। तो आज मैं इसी का सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी रहता है। मैं ये जौ का सब्ज़ी भी बनाऊँगी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनने वाला है, जो कि मार्केट से ही लाया गया है। ये जौ कोई भी अगर सिंपल सब्ज़ी को टेस्टी सब्ज़ी खाने का मन हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा कुकिंग वाला ब्लॉग आपके पास चला जाए। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम बनाएंगे ये मशरूम का सब्ज़ी। कुछ इस तरह से धूप लगा हुआ है और यहाँ पर मैंने आग जला लिया है और तेल यहाँ पर गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 5 पाँचफोरन, और ये लाल मिर्च, 2 सूखा हुआ लाल मिर्च, और यहाँ पर मैंने लिया है एक काट के प्याज। तो वो मसाला जो है यहाँ पर मैंने 5 पाँचफोरन, सूखा हुआ मिर्चा और प्याज सिर्फ लिया हुआ है। तो देख सकते हैं साग को जो है मैंने साफ करके ले लिया है और यहाँ पर मसाला फ्राई हो गया है। यहाँ पर जो है मैंने नमक डाल दिया था, लेकिन वीडियो करना भूल गई। मैंने थोड़ा सा ही नमक डाल दिया है। और साग का मसाला है ये अदरक, जो कि मैंने ग्रेट करके ले लिया है, तो यहाँ पर मैं डाल दूँ है। पर जो है मैंने मशरूम को ले लिया है। तो मशरूम को जो है कुछ इस तरह से जीरा लगाकर, देखिए फ्रेंड, इसको इस तरह से साफ कर लूँगी। अभी मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम, जो कि मसाला जो है कुछ इस तरह से ले लिया है। यहाँ पर खुसानी, प्याज, अदरक और ये टमाटर। तो सबसे पहले मैं खुसानी को डाल देती हूँ, उसके बाद प्याज, उसके बाद जो है मैं ये टमाटर डाल दूंगी। तो देखिए दोस्तों, मशरूम को जो है मैंने साफ करके ले लिया है। तो अब इसको मैं डाल दूंगी यहीं पर। तो यहाँ पर जो है मैं अदरक भी डाल दे रही हूँ। ऐसा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, तो अभी जो है मैं कड़ी पत्ता लेने के लिए जा रही हूँ, जो कि यहाँ से ले लूँगी। यहाँ पर है कुछ इस तरह से, ये सारा का सारा कड़ी पत्ता ही है। तो यहाँ से एक दो डाली ले लूँगी और इसको जो है साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी को ये इस तरह से गंदा हो रखा है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने कुछ इस तरह से 4-5 डाली ले लिया है, तो इसको अब मैं साफ़ कर लूँगी। आलू का दाल जो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलू को जो है उबाल के ले लिया है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से मिक्स कर लूँगी। तो आलू को जो है इस तरह से मिक्स कर लिया है पूरा ही। तो इस पे जो है मैं पानी यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से पानी लगाने के बाद कुछ इस तरह का हो गया है अब ये। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अजवाइन और फिर कुछ इस तरह से मेथी दाना और ये थोड़ा बहुत पाँचफोरन और ये 2 सूखा हुआ लाल मिर्च। तो देखिए फ्रेंड, कड़ी पत्ता को जो है मैंने काट करके ले लिया है। और ये रहा आलू और पानी मिक्स किया हुआ, तो मैं इसको यहीं पर डाल दे रही हूँ। तो इस पे डाल दे रही हूँ हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार। अगर सब तरह का दाल खाने को टेस्ट ना लग रहा हो तो इस तरह का दाल बनाकर आप सब ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी रहता है। सिंपल और इजी प्रोसेस में ही बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड, आज का लंच जो है कुछ इस तरह से बनाया है। यहाँ पर मशरूम जो कि फ्राई किया हुआ, टमाटर लगाकर, और ये रहा रायता का सब्ज़ी जो कि बहुत ही टेस्टी स्मेल कर रहा है, और ये रहा आलू का दाल जो कि सिंपल प्रोसेस से बनाया है। तो आज का लंच कुछ इस तरह से बनाया है। और आप सबको भी अगर सिंपल सब्ज़ी को टेस्टी सब्ज़ी बनाना हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा कोई भी कंटेंट आपके पास चला जाए। तो देखिए फ्रेंड, आज का लंच जो है कुछ इस तरह से बनाया है। ये आलू का दाल और ये मशरूम का सब्ज़ी और यहाँ पर साग का सब्ज़ी, राई साग का सब्ज़ी और ये चावल। तो आज का थाली जो है कुछ इस तरह से बनाया है। मिसाल तो चो तेल आले से तेल आले से तेल मिसाल